हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड स्केलर। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है हमारा, जो कि मोशन इन अ प्लेन के लिए इंट्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम मोशन इन ए प्लेन बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि प्लेन में मोशन के लिए हमें वेक्टर का ज्ञान होना परमावश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर एंड स्केलर क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं, मतलब क्वांटिटीज़ को दो प्रकार से बांटा गया है, वेक्टर एंड स्केलर। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। पढ़िए स्केलर क्वांटिटी। यस सर, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, एग्जांपल डिस्टेंस, मास एंड स्पीड। हाँ, बिल्कुल सही है कि जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है या जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, मास, स्पीड है, टाइम भी है, हीट भी है, एनर्जी भी है। यस सर, तो ये जो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम सबको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सेकेंड पढ़िए वेक्टर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड एंड फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट। हाँ, एक चीज़ है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों ही काफ़ी नहीं है कि मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना। एक चीज़ और है कि इन क्वांटिटी को वेक्टर एलजेब्रा के लॉ को सेटिस्फाई करना होता है। मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, एडिशन बस नहीं, मैं कहूँगा लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा अगर ये सेटिस्फाई करती हैं, तो ये क्वांटिटी जो होती हैं, ये क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, करंट। करंट मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। बोलिए यस और नो। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है 2 एम्पियर, और करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से लेके माइनस। करंट चलती पॉजिटिव टू निगेटिव। इसके बावजूद करंट जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट के ऊपर वेक्टर नहीं लगता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। पता है आपको? हाँ सर। हाँ, कारण क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड है, जी हाँ मैग्नीट्यूड है। इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है, परंतु ये वेक्टर एलजेब्रा को सपोर्ट नहीं करती है, ये स्केलर एलजेब्रा को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? स्केलर एलजेब्रा। इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। हाँ, तो वेक्टर के साथ साथ जो है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, ये वेक्टर एलजेब्रा को सपोर्ट करने चाहिए। पढ़ो नोट वन। करंट, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी दो इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हाँ, करंट हैविंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इवन देन इट इज नॉट सपोज टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और यू कैन से कि ये जो वेक्टर लॉ को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना? यस, पढ़ो। अ वेक्टर, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग एन एरो प्रोपोर्शनल इन द लेंथ टू द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग रिप्रेजेंटेड। यस, देखिए जैसे कि जैसे कि आपके पास में मैंने दो फोर्सेस बताए कि एक फोर्स जो है 5 न्यूटन का है और एक फोर्स जो है 10 न्यूटन का है। यस सर। तो एक फोर्स का नाम ए बी है, एक फोर्स का नाम सी डी है। ओके Yes. तो बेटा जो वेक्टर की लेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना? अगर 5 न्यूटन की लेंथ जो भी है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, तो लेंथ भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। समझ में आ गया ना? Yes, मतलब sir. किसी वेक्टर की लेंथ किसको किसको आपको डिक्टेट करती है? उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा ईस्ट में 10 मीटर चलता है, कितने मीटर? 10 मीटर, और फिर वो नॉर्थ में चलता है 5 मीटर। तो वेक्टोरियली मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, 10 मीटर का जो एरो है वो बड़ा है और जस्ट डबल है, और 5 मीटर का एरो जस्ट आधा होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है ना? अच्छा, यस। तो वेक्टर की लेंथ क्या करती है? एक तरीके से उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ड्रॉइंग एन एरो प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल इन लेंथ
टू द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग रिप्रेजेंटेड. बोलो समझ में आया? यस सर. क्लियर है? हाँ सर. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो. ए वेक्टर. A vector variable is represented by an arrow over English or Greek alphabet. हाँ, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई भी वेक्टर है ये, तो यहाँ पे एरो लगाते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं ए वेक्टर, व्हाटएवर. यदि ये है, इसे बी वेक्टर, तो इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं. क्लियर हुआ? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो. The same alphabet without the vector sign represent the magnitude of the vector and the same alphabet with a cap sign represent the direction of the vector. बिल्कुल सही. अगर आपके पास में कोई वेक्टर है, जैसे मैं ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये कम्प्लीटली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. अगर आप इसमें केवल ए लिखेंगे, व्हाट इज ए? ए मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. यस सर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो आप चाहे तो सीधा ए लिखें या इसे ऐसे करके लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बात बराबर है. ठीक है ना? तो आप ऐसे लिखोगे तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मॉड ऑफ ए लिखोगे तो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए को. ठीक है, डन. यस सर. यदि मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? बी लिखूंगा या मॉड ऑफ वेक्टर बी. क्लियर? यस सर. हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया बेटा? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसमें डायरेक्शंस इंक्लूडेड नहीं रहेगी. हाँ, डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं रहेगी. जैसे मान के चलो कि आप एक घूसा लगा रहे हो 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट. यस सर. ये क्या है? आपका घूसा है, यानी कि फोर्स है. ये सुनो. तो अब मैं बोलूंगा इसका नाम F1 दे दिया आपने, दिस इज F1 वेक्टर, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी दी है और मैग्नीट्यूड भी दिया है. अब मैं बोलूंगा F1 का मैग्नीट्यूड, सो आंसर केवल आएगा 5 न्यूटन. क्लियर? यस सर. या इसे सिंपल F1 भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. डन? यस सर, डन. हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिस टाइम. अब ये तो मैंने निकालना आपको सब समझा दिया था ट्रिग्नोमेट्री में. याद है आपको साइन 2π/3, साइन कॉस 5π/6? याद है बेटा कि नहीं याद है? छोटू कहाँ हो? यस सर. यस सर, आवाज. ओके. अच्छा, दूसरी बात करते हैं बेटा. देखो, एक चीज लिखा है, द सेम अल्फाबेट विद अ कैप साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. एक ये है कंप्लीट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वेक्टर, वेक्टर ए. वेक्टर ए की डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर. कितने यूनिट का? 1 यूनिट का वेक्टर. 1 यूनिट का वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन देता है. मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होएगा? 1 यूनिट. समझ में आ गया? यस सर. चलिए अब समझो. मतलब आपके पास मान लो कोई बड़ा सा वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में छोटा सा वेक्टर, उसी की डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर, दैट इज कॉल. अगर ये कंप्लीट वेक्टर है, वेक्टर ए, सॉरी दिस इज वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा ए कैप. क्या कहलाएगा? ए कैप. क्लियर हुआ? यस सर. इसको अच्छे समझो, एक बार और क्लियर करता हूँ. जैसे मान लो बेटा कि आपके पास ये कंप्लीट वेक्टर ए है, ठीक ना? हाँ. और इस वेक्टर की लेंथ है 100 यूनिट. कितने यूनिट है? 100 यूनिट. 100 यूनिट है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड ए इक्वल्स टू 100 यूनिट. ठीक है बेटा? यस सर. अब मैं 100 यूनिट यानी कि 100 कदम का वेक्टर है, 100 कदम की डायरेक्शन में मैं 1 कदम का वेक्टर लूँगा, दैट इज कॉल्ड ए कैप. इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ए कैप. क्लियर? हाँ. अब मुझे बताओ छोटू कि अगर मैं ए कैप में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको मैं फोल्ड करते 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 पलटते पलटते एंड तक पहुंचा दूं, मतलब एक कदम करते 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 कितने कितने पूरे 100 कदम, तो ए कैप मतलब एक कदम का वेक्टर मल्टीप्लाई बाई पूरा लेंथ, क्या ये कंप्लीट वेक्टर को जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर. करेगा ना? हाँ. सो व्हाट इज ए कैप?
ए कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा तुमको शायद तक। ए कैप किसी का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। डन ना? सो द यूनिट वैक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ एनी वैक्टर इज द कम्प्लीट वैक्टर डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैक्टर। मतलब कम्प्लीट वैक्टर में अगर आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वैक्टर मिल जाएगा गिवन वैक्टर की डायरेक्शन में। सो यस, अगर आप कैप लगाते हो तो कैप लगाने का मतलब डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर, क्योंकि यूनिट वैक्टर केवल किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे ये ए कैप है तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। इसलिए यूनिट वेक्टर केवल किसको शो करता है? डायरेक्शन। यस। अगला है बेटा, वेक्टर को जोड़ने के लिए जो लॉ लगता है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या कहता है पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अपनी समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आप थ्योरी पढ़िएगा। ये लॉ कहता है बेटा कि अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हैं जो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये है बेटा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, बोलिए सुनो। यस सर। अगर मैं वेक्टर ए को थोड़ा शिफ्ट कर दूं और वेक्टर बी के साथ अटैच कर दूं लगातार में, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। क्या ये दोनों ट्रायंगल की लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस सर। तो जो तीसरी साइड बनेगी वो इन दोनों साइड का सम होगी। क्या होगी? इन दोनों साइड का सम। सो तीसरी साइड का अगर आप नाम मान लेते हैं रिजल्टेंट आर, सो आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अपोजिट ऑर्डर में। ये ए है, ये बी है, तो नीचे से लेके ऊपर की ओर ए प्लस सी जाएगा। ठीक है? यस सर। ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ। चलो पढ़ो। टू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ, प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। हाँ, ये टेल है और ये हेड है ना? यस सर। प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड में। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर ये दोनों वेक्टर लगातार हैं तो जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो इन दोनों का सम होगा या रिजल्ट होगा। क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट, सम या रिजल्ट। यस। चलिए देखते हैं। एक आपके पास है वेक्टर 3 मैग्नीट्यूड, ओके? यस सर। एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 यूनिट, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 यूनिट। देन एग्जांपल में दे रखा है If A is equal to 1 kilometer north, ये दूसरा example है, तो जो अपने पास में ये जो बनेगा A है, ये B है, तो C vector equal to sum of A plus B, clear? Yes sir. हाँ। C vector equal to sum of A plus B, और यहाँ पे दोनों vector A और B के बीच का angle कितना दिख रहा है? देखो 90 degree। ए और बी के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90। कैसे देखोगे? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ये एंगल दिख गया, ए और बी के बीच का एंगल 90 degree। दिखा? हाँ सर। तो सी कैसे निकलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड सॉरी ए का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर 16, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो सी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो सी मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर का निकला वो कितना निकला है? 5 यूनिट। क्लियर? यस सर। बट ये तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हो। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, अभी सारे केस बता रहा हूँ। और अगर आपका इसका डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू 10 inverse 4/3। समझ में आ गया? अच्छा, यस सर। क्लियर है? यस सर।
बन जाएगा। हाँ सर। हाँ, अगला दिया है कि इफ कंप्लीट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 किलोमीटर नॉर्थ, देन ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 किलोमीटर, एंड ए कैप मतलब डायरेक्शन कितनी है नॉर्थ। क्लियर हुआ? यस सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं है, जैसे साइन इनवर्स एक्स मतलब एंगल जिसके लिए साइन की वैल्यू एक्स हो। मैं बोलूँगा टेन इनवर्स वन, तो बोलो आंसर कितना बोलोगे? 45 डिग्री, है ना? ये तो समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट, रेडियन मेजरमेंट मैंने आपको पढ़ा दी थी कि रेडियन मेजरमेंट में क्या फॉर्मूला लगता है। रेडियन मेजरमेंट में मैंने बताया था आपको कि आ एंगल इज इक्वल टू आर्क एल अपॉन रेडियस स्मॉल आर, सो एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। क्लियर? यस सर। यस, ये सारा बताया हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, है ना? ये फॉर्मूले सिखा दिए थे मैंने। अब अगला क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा, वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी वेक्टर सम की, वेक्टर सम कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट पढ़ो, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। एग्जांपल, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। हाँ, देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। देखो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, बोलो हाँ, है ना? हाँ सर। तो ये अंदर 120 है, तो इसका एंगल 120 नहीं मानोगे। एंगल का रूल है कि दोनों बाहर जाने दो, दोनों को बाहर जान दो। तो यहां से क्या करो कि ये वेक्टर ए को आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया? हाँ। अब इतना एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर? हाँ। तो आंसर एंगल ए और एंगल बी के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का 60 डिग्री। यहां से कितना दिख रहा? 120। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि ये भी अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बाहर जाएं। तो दोनों बाहर जा रहे हैं, देखो ए भी बाहर जा रहा है, बी भी बाहर जा रहा है। अब जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आ रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना पड़ेगा। सी, पढ़ो, When we consider two vectors a vector and b vector represented for finding the resultant a vector plus b vector using the triangle law as shown in. चलो देखो बेटा, यहाँ से ये वेक्टर a है मेरे पास, ये वेक्टर b है, ट्रायंगल लॉ से। ठीक है? क्लियर हुआ? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा, दोनों वेक्टर a और b के बीच का एंगल थीटा है। सो यदि ये वेक्टर b है और मैं यदि परपेंडिकुलर खींचूं, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos थीटा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ सर। ओके, क्योंकि लेंथ b है, लेंथ b का नीचे की तरफ थीटा की तरफ cos कंपोनेंट, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन कंपोनेंट। बोलो यस कि नो? हाँ सर। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कंप्लीट जो वेक्टर है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसका नाम क्या है? सी वेक्टर। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? मॉड सी। तो मॉड सी, पाइथागोरस थ्योरम से देखो बेटा, मॉड सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो एक बेस कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यस कि नो? हाँ सर। प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस कि नो? यस सर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लगेगा? हाँ लग जाएगा। तो इसलिए ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर। क्लियर है? तो ये लिख लो बेटा रिजल्टेंट, ये सब में लगेगा ये फॉर्मूला, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, सब में लगेगा ये फॉर्मूला। यस सर। सर
सर यहाँ पे सी वेक्टर का मॉड लिखने की जगह रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं क्या? आर हाँ वेक्टर का बेटा, मॉड? सी की जगह आप आर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आर ले लो। लिख लिया सर। चलो डायरेक्शन एंगल ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट किससे निकालोगे? टेन थीटा से निकालो, टेन फाई, तो ये एंगल फाई है, सो टेन फाई से जाते हैं। सो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? बी साइन थीटा है कि नहीं है? हाँ सर। और बेस कितना है? यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, यस और नो? यस सर। सो फाई इधर आएगा तो टेन इनवर्स चला जाएगा, डन? अच्छा यस सर। कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, क्लियर, इजी है सब अभी ओके चलिए प्रैक्टिस टाइम। लिखो बेटा, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर 5 यूनिट का है और उसमें एडिशन करना है बी वेक्टर 5 यूनिट का, तो आपको दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 45 डिग्री। आपको रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है फाइनल वेक्टर का, रिजल्टेंट का। चलो करो। यस सर। एंगल 45 डिग्री दे रखा है। हाँ यस सर। बन रहा सर अंडर रूट 50 रूट 2 प्लस 50 बाय रूट 2 आ रहा सही है। एकदम, ठीक है ना? हाँ सर। एकदम सही है। डायरेक्शन निकालो बेटा, बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा से। हाँ सर। सही है, सही है, टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस रूट टू, सही है। चलो बेटा और अगला क्वेश्चन देखो, अब ये नीचे अ मैन वॉक्स, पढ़ो जरा क्वेश्चन। हाँ बेटा सही है, सही है, सॉरी सही है, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट टू प्लस वन। आवाज आ रही मेरी? ओके अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अ मैन वॉक्स पढ़िए। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन अना, हाँ देखिए, पहले ये इंसान 10 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, इसके बाद ये जो है, इसके बाद ये जो इंसान है ये, एंड देन 10 किलोमीटर टू 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो दो वेक्टर आपके पास हो चुके हैं। हाँ बेटा पीडीएफ ओपन कर लो, पीडीएफ है देखो ग्रुप में, हाँ पीडीएफ ओपन कर लो, मिल गया? कर ली सर। हाँ तो दो वेक्टर मिल गए आपको, 210 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के मिल गए ना?
हाँ, और दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। अब आपको चलो रिजल्टेंट फाइंड करना है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए। वेक्टर ए कितना यूज होगा? 10। वेक्टर बी का मॉड कितना यूज होगा? 10। और दोनों के बीच का एंगल कितना यूज होगा? थीटा, 60 डिग्री। करिए और डायरेक्शन भी निकालिए। हाँ, 10√3 बिल्कुल सही है। अब डायरेक्शन निकाल लो। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। 30 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल सही, वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इस शीट में देखिए, अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें हमको क्या करना है? पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो साइड्स कोई पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एजेस को शो कर रही हों, तो अगर दो वेक्टर जो हैं पैरेललोग्राम लॉ के पैरेललोग्राम के एजेस को शो कर रहे हों, तो जो उनका रिजल्टेंट जाएगा वो उनके कट पॉइंट से लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, नहीं बाइसेक्ट नहीं बोलोगे उसको, उसको बाइसेक्ट नहीं बोल सकते। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट होता है। उसके रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उन उसके डायगोनल के अलोंग जाएगा। किसके अलोंग जाएगा? डायगोनल के लॉन्ग। पढ़िए, हियर वी प्लेस द वेक्टर टेल। हियर वी प्लेस द वेक्टर टेल टू टेल एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। नाउ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन टेल। यस एग्जैक्टली, जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी जो होगा वो कॉमन टेल से जाएगा। क्लियर? हाँ, मतलब दोनों की जो टेल मिलेंगी वहां से जाएगा, मतलब डायगोनली जाएगा। हियर वी प्लेस द वेक्टर टेल टू टेल एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। नाउ द रिजल्टेंट इज गिवन बाई द डायगोनल। और जी ये जो रिजल्टेंट की लेंथ होगी वो डायगोनल की लेंथ रिजल्टेंट के इक्वल होगी। क्लियर हो गया? मतलब वेक्टर सी का मॉड दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ओके, सो इक्वल्स टू इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। यस, नोट फोर, फोर नंबर नोट। फॉर एनी गिवन वैक्टर ए द सिम्बल ए एंड ए मीन द एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये तो मैंने तुमको बता दिया ना कि दोनों सेम थिंग होते हैं। तो बेटा पैलेलोग्राम का भी रिजल्टेंट वही आता है जो अभी अपन ने पढ़ा है, ए मॉड ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है, लिख लो अंदर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? और डायरेक्शन जो होगी अल्फा वही निकलेगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक
थीटा क्या होगा यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दोनों डायगोनली निकल रहे हैं एडजेसेंट, उनके बीच का एंगल होगा थीटा। क्लियर? अच्छा, हाँ, तो हाँ वहीं पर दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, ऊपर जो बनेगा दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में है, और जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा वो अल्फा होगा। हाँ, जो नीचे बना रहा है रिजल्टेंट ए के साथ वो क्या होगा, अल्फा। ठीक है ना? अल्फा। हाँ, तो दो एंगल यहाँ पर, बी के साथ बना रहा है वो? उसको छोड़ दो, अब वो अल्फा, वो होगा थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, हाँ, है, होगा ना? हालांकि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उसका नाम होगा थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज कंप्लीट एंगल थीटा ए और बी के बीच का। चलिए, बहुत बढ़िया, हो गया ये भी डन। अब पढ़ते हैं बेटा पॉलीगन लॉ। क्या पढ़ते हैं? पॉलीगन लॉ। कई सारे वेक्टर हैं, अगर सारे वेक्टर को आप जोड़ते जाओगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से बनेगा, बस। ठीक है? अच्छा, पढ़ो, पढ़ता हूं मैं। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, यस, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर को ज्वाइन करने से बनेगा। अगर कई सारे वेक्टर हैं, अगर आप बैक टू बैक उनको ज्वाइन कर रहे हो, अगर पॉलीगन लॉ के फॉर्म से ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्लियर है? कितने भी साइड्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड दिखाई देगा और बाकी कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो उसका निगेटिव वेक्टर माइनस ए हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर? अपोजिट हो जाएगी, मतलब अगर इफ ए वेक्टर इज वन यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ है तो माइनस ए कितना हो जाएगा, वन यूनिट टूवर्ड्स साउथ। क्लियर? सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड बट विद द रिवर्स डायरेक्शन। डन, क्लियर हो गया ना ये? ओके बेटा, अब लिखो कॉपी में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ओके, जैसा मैंने बताया था एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन सीखना बेटा। ओके, हाँ, लिखो a माइनस बी इक्वल टू, a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, हाँ, a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी आएगा ही, हुआ कि नहीं हुआ? अपोजिट कर, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, मतलब जो उसी वेक्टर को घुमा करके ऐड कर देना है, समझे ना? तो है ये एडिशन बट रिवर्सली उसको ऐड करेंगे। तो अपनी कॉपी में आ जाओ, वेक्टर ए बनाओ और उसी के सामने प्लस वेक्टर बी ऊपर की तरफ बनाओ, जैसा डायग्राम में बना हुआ है पीडीएफ में, बनाया? हाँ, ये तो था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट हमें क्या चाहिए है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए फिर से बनाओ और बी को उल्टा करके अटैच कर दो नीचे की तरफ, अटैच कर दिया, नहीं दोनों के हेड एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं, एक का हेड बी के टेल के साथ अटैच होगा, पहले बी ऊपर जा रहा था अब बी नीचे जाएगा, यस और नो? तो बी एक्चुअली है माइनस बी, बी एक्चुअली क्या है, माइनस बी, समझ में आया? हाँ, अब एक चीज और बहुत ध्यान की चीज देखो, पहले ए और बी के बीच का एंगल ऊपर की तरफ बनता था थीटा, यस और नो? जो ए को आगे बढ़ाने पर मिलता था कि नहीं मिलता था? Yes, sir. ए और बी के बीच का एंगल ए को आगे बढ़ाने पर बी के साथ जो नीचे की साइड मिलता था वो थीटा मिलता था, बोलो यस और नो? बट अब माइनस बी तो जस्ट नीचे हो चुका है, बोलो यस और नो? तो अब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा?
हाँ, सो माइनस बी के साथ एंगल कितना बनेगा ए का, 180 माइनस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो अब डायग्राम में आ जाओ, देख लो वेक्टर ए है ऊपर पिंक कलर से, देखो वेक्टर ए, यस और नो? माइनस वेक्टर बी नीचे जा रहा है, बोलो यस और नो? दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 माइनस थीटा। क्लियर, यस और नो? दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और यू कैन से वेक्टर सी इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर? नाउ रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाला है लेफ्ट साइड में, सी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, अब क्या होगा? कॉस 180 माइनस थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा लिख लो खोपचे में होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। सो हो गया कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, हो गया डन कॉस थीटा। क्लियर है? मतलब एडिशन में प्लस आता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है ना। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अगला है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड सेम स्पेसिफिक डायरेक्शन, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो और डायरेक्शन वही हो गिवन वेक्टर की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्लियर? हाँ, ऊपर मैंने पढ़ा दिया था, बट अब यहाँ पे थ्योरेटिकली आ गया है ना। इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ यूनिटलेस। जैसे कि तुमसे कोई पूछता है कि मुझे विज्ञान नगर जाना है, बोलो हाँ, तो तुम कह दोगी ऐसे चले जाओ, बोलो हाँ या ना, हाथ दिखा करके बोल दोगी ऐसे, बोलो यस और नो? हाथ पकड़ के छोड़ने तो नहीं जाएंगे अपन, नहीं जाएंगे छोड़ने, अपन बोल देंगे कि ऐसे चले जाओ। तो जब वो ऐसा हाथ दिखाते हो तो क्या उसकी कोई यूनिट होती है कि इतने मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर? कुछ नहीं, वो केवल एक डायरेक्शन है, वो केवल एक क्या है? डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, यस। तो जैसे आपके पास कोई 5 किलोमीटर का वेक्टर है, एग्जाम्पल के लिए कोई 5 किलोमीटर का वेक्टर है, तो अगर 5 किलोमीटर के नॉर्थ वेक्टर में अगर आप मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर का डिवाइड कर दोगे, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए केवल 1 यूनिट नॉर्थ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये केवल आपको डायरेक्शन शो करेगा, यस और नो? तो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन शो करता है। जैसे कोई आपसे रास्ता पूछता है तो आप ऐसे हाथ उठा के कह देते हो ऐसे चले जाओ, तो केवल आप क्या दिखाते हो? डायरेक्शन। क्या दिखाते हो? डायरेक्शन दिखाते हो, एग्जैक्टली। तो ये डायरेक्शन वाली बात हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब किसी वेक्टर को ऐसे दो पार्ट में रेजोल्यूट करना जो कि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हो। किस पे हो? 90 डिग्री पे, बिकॉज रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ 90 डिग्री पे हुआ करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यस और नो? जैसे आप अपने घर के कमरे में खड़े हुए हो और डायगोनली अपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब आप दो कंपोनेंट ट्रेवल कर रहे हो एक साथ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, बोलो यस और नो? हाँ, अगर प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो तो दो कंपोनेंट आप एक साथ ट्रेवल कर रहे हो। अगर आपका ना वेक्टर ए है, सो यू साइमल्टेनियसली यू ट्रेवलिंग ए एक्स एज वेल एज ए वाई, बोलो यस और नो? सो देयर इज सम फिक्स वैल्यू ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए एक्स विल बी ए कॉस थीटा, आया समझ में? और ए वाई क्या होगा? ए साइन थीटा। सो ए एक्स एंड ए वाई जो अपने कंपोनेंट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर? हाँ, मतलब ये, और ये दोनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो पढ़ो। व्हेन एवर व्हेनेवर अ वेक्टर इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन वी कॉल द वेक्टर एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ डूइंग दिस टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इमेजिन अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल इज द गिवन वेक्टर द साइड्स ऑफ सच रेक्टेंगल आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर इंस्टेंस लेट
there will be a force F inclined at an angle theta with the horizontal, then its horizontal and vertical component given by Fx is equals to F cos theta and Fy is equals to F tan theta. Exactly, beta. Fx equal to F cos theta banega, X component, haan ya na? And Fy is equal to F sin theta, yes or no? अब एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, कितना होता है आई कैप, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये जो वेक्टर जनरेट होगा एफ एक्स का, दैट विल बी एफ एक्स आई कैप, जनरेट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर जनरेट होगा वो होगा एफ वाई जे कैप, हाँ या ना? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से एफ वेक्टर कंप्लीटली इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, कॉपी में लिखते जाओ, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, यस और नो? हाँ सर। सर मतलब जहां पे एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है वहां पे कॉस थीटा, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर साइड थीटा, बिल्कुल सही, थीटा से चिपक करके कॉस कंपोनेंट टूटता है क्योंकि बेस कॉस बनाता है और परपेंडिकुलर साइन बनाता है, क्लियर? नाउ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू रख देता हूं मैं एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा जे कैप, समझ में आई? यस सर। सो ये हमारा वेक्टर जनरेट हो चुका है कंपोनेंट फॉर्म में, रेजोल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है? यस सर। ओके, हाँ मैं आपको ये मैंने फोटो भेजी है, देखिए आप व्हाट्सएप में, एक सेकंड, चली गई। हाँ, सो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, डन? यस सर, डन। चलिए क्वेश्चन पे आइए, प्रैक्टिस टाइम में, रिजॉल्व द ब्लॉक इनटू द कंपोनेंट। हाँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रिजॉल्व द ब्लॉक, देखो बेटा 30 डिग्री पर ब्लॉक रखा हुआ है, बोलो हाँ। सर। और 30 डिग्री पर यहां पर फोर्स जो है 300 न्यूटन के दो कंपोनेंट टूटेंगे, यस और नो? यस सर। हाँ, एक कंपोनेंट ये 30 डिग्री है, बोलो यस और नो? हाँ सर। तो ये जो नीचे वाला एंगल बनता है ये भी कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री, पता है? हाँ, तो 300 जो हॉर जो एक एक फोर्स टूटा वर्टिकल, रिएक्शन फोर्स बन गया, और एक बन गया नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम करने वाला, बोलो यस और नो? तो जो नीचे की तरफ रिएक्शन फोर्स बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा जो 300 से पास में टूट रहा है थीटा एंगल पे, वो क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, क्या टूटेगा? एम जी कॉस थीटा। और जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है वो क्या होगा? एम जी साइन थीटा, यस और नो? हाँ, जो प्लेन के अलोंग है वो साइन थीटा है, और जो नीचे कार का जो काम कर रहा है, जो एक्शन जनरेट करेगा, वो होगा क्या? एम जी कॉस थीटा, समझ गए? और वही रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ, फिर जिससे ब्लॉक टिका रहेगा, नहीं तो ब्लॉक फोड़ के जमीन घुस जाएगा प्लैंक को, हैं? Yes, चलो, तो दोनों फोर्स निकाल के मुझे बताओ। हाँ, क्वेश्चन में लिखा तो है ना, 300 न्यूटन दिया तो एम जी, अच्छा, पूरा का पूरा एम जी 300 न्यूटन है। वेट फोर्स क्या होता है? एम जी ही तो होता है। हाँ, सर। वो वेट ही तो है, वेट फोर्स ही तो दिया है वो एम जी। डायग्राम में देखो ना। हाँ सर, दिख गया। हाँ, 300 न्यूटन। बिल्कुल सही है, 150 और 150 रूट थ्री, क्लियर? यस सर। हाँ चलिए, अब सेकेंड डायग्राम पे आ जाओ बेटा, आगे डायग्राम पे। हाँ अब आप सेकेंड डायग्राम पे आ चुके हो, आपको यहां पर एक जो गोला है लटका हुआ है, शायद
हाँ शायद क्या दिख तो रहा है लटका हुआ है। सेकेंड नंबर डायग्राम पे आ गए। हाँ अब बेटा यहाँ पर जो है एक फोर्स लग रहा है, गोले का वेट जो है नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है। देखो तीन मैंने फोर्स यहाँ पर बनाए हैं, एक जो दीवाल पर जाकर के एक्ट कर रहा है, बोलो यस, एक जो बीच में से निकल रहा है, यस, और एक निकल रहा है 37 डिग्री पे जो नीचे की तरफ ऊपर से डोरी के अलोंग आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 100 न्यूटन एक्चुअली वो बीच वाला फोर्स है जिसका नाम है एमजी। क्या नाम है? एमजी। तो एमजी से 37 डिग्री राइट में जो फोर्स कटेगा वो होगा एमजी कॉस थीटा। कटेगा कि नहीं कटेगा? थर्टी सेवन डिग्री क्योंकि ऊपर का एंगल 37 है ना, तो 37 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 37 ही तो बनेगा। हाँ तो एक अब मैंने डायग्राम भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, देखो ये पहुँच गया। देखो 100 न्यूटन उसका वेट फोर्स लग रहा है, लग रहा है? दिख गया? तो 37 के लिए मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको बताए थे 37 के लिए। हेलो चलो स्लाइड हाँ 3 4 5 ऊपर पे आ जाओ, सबसे ऊपर एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बना करके दी है, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, यस और नो? पेज नंबर 2 पे देख लो बना हुआ है। हाँ पेज नंबर 2 पे 37 डिग्री के लिए बनती है 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5। क्लियर? यस सर क्लियर। तो चलिए हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कॉस 37 कहाँ वाला बनाना है, कॉस 37 कहाँ गया? हाँ नीचे वाला। तो mg देखो पैरेलल टू द थ्रेड, नीचे थ्रेड की तरफ जो डाउनवर्ड लगेगा कितना बनेगा mg cos थीटा, मतलब 100 × 4/5 मतलब 80 न्यूटन। क्लियर? 100 cos 37 100 × 4/5 80 न्यूटन, समझ में आया? हाँ ये क्या जनरेट करेगा, डोरी में टेंशन जनरेट करेगा है, और 100 × 3/5 वर्टिकल फोर्स रिएक्शन जनरेट करेगा ये। ठीक है? हाँ सर ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो दूसरा डायग्राम बना लो, ये तीसरा नंबर का लटका दो गोला 37 डिग्री पे, डाउनवर्ड ही लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एमजी दे तो रहा हूँ आपको। चलो लगा लो गोला, लटका दो। लटका दिया 100 लगा दो, 1000 न्यूटन लगा दो डाउनवर्ड। हाँ 55 बताते हैं कैसे आ रहा वो, ठीक है ना? देखो वो 55 इसलिए लगेगा, 1000 न्यूटन यदि आप इसको पूरा ऊपर 90 डिग्री ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दो, सेंटर से जो 1000 है उसको ऊपर की तरफ ले जाओ। ले गए? ले जाओ जरा पेंसिल से ड्रॉ करो। ले गए? हाँ हाँ ऊपर 90 डिग्री बन गया, तो 90 + 37 कितना हो गया? 90 + 37 127। हाँ और 127 में 127 को माइनस कर दो आप 100 से, कितना बना? किससे? 180 से। और क्या, 180 से माइनस करेंगे ना तभी तो एंगल निकलेगा।
53। हाँ तो बेटा वहाँ पे वो जो एंगल है वो एंगल को 55 नहीं करो, उसको 53 कर लो। कितना कर लो? 53। हाँ फिफ्टी थ्री बिल्कुल सही। तो वो 53 है बेटा। अब 53 की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा रखी, उसको 53 कर लिया। हाँ अब देखो 1000 न्यूटन का 53 की तरफ जो एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 100 cos 53। यस 1000 cos 53। बस यस और नो? हाँ तो 100 cos 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 multiply by 3/5। हाँ या ना? तो 5 से कट गया, 200 बार आंसर आया 600 न्यूटन। क्लियर है?